और वहीं बीजेपी नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को इसे झटका बताया तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिकरवार का जाना बीजेपी के लिए कोई झटका नहीं है। उसे एक बीजेपी का बड़ा चेहरा है सतीश सिकरवार। देखिए, बीजेपी अब तानाशाहों की पार्टी हो गई, आंतरिक लोकतंत्र बचा ही नहीं है उसमें, तो अब ये लोग तो भागेंगे भी। इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो, बस इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस।